आप लोग ने वीडियो का टाइटल देख लिया है, तो आज शुरू करते हैं और आगे वीडियो में देखते हैं आपको ये वीडियो पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल इंसिडेंट शेयर किए हैं इस वीडियो में सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। सो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ नॉट अ व्लॉग एक्चुअली गाइज, ये व्लॉग नहीं है, मेरे कुछ ओल्ड फोटोज़ है अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो मैं आपको उन लोगों उस टाइम पे बीता हुआ इंसिडेंट और मैंने क्या उनसे बात किया था उस वक्त, मैं वो सब शेयर करता हूँ आपके साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुणाल खेमू से, एक्सपीरियंस विद बॉलीवुड स्टार। तो कुणाल खेमू हमारे लिस्ट में पहला नाम है। तो कुणाल खेमू जो है, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी भाई जैसे मूवी में एज ए चाइल्ड एक्टर काम कर चुके हैं। है दामाद मंसूर अली खान पटौती के, सैफ अली खान के जीजा जी। इनसे मैं एक्चुअली 2009 में मिला था एक बर्थडे पार्टी में, मेरे रिलेटिव का बर्थडे पार्टी था। और ये अपने को स्टार के साथ आए थे, कलयुग मूवी तो आप सबने देखा ही होगा, उसकी जो हीरोइन है उनके साथ ही आए थे। एक्चुअली मैं उनको पहचान भी नहीं पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि लुक टोटली लुक डिफरेंट व्हेन यू मीट हिम इन पर्सनल। सो ये टोटली डिफरेंट है कोई भी स्टार। स्क्रीन पे आप जो दूसरा फोटो देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक एक्ट्रेस है। तो आप तो देख ही रहे कि ये एक्ट्रेस है, और ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, और ये बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है, और उसके अलावा एक पाकिस्तानी बॉलर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उसी के लाइमलाइट से ये बॉलीवुड में और मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। आपने जो छोटा सा बच्चा है वो मेरा भांजा है। और जो तीसरे एक्टर का फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें कौन नहीं जानता पूरे इंडिया में, इनका नाम है दिलीप जोशी उर्फ मिस्टर जेठालाल। और गोकुलधाम में इन दोनों का सेट आसपास में था, वीना मलिक का और मिस्टर जेठालाल का। तो मैं पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो कास्ट है, मैं उन सब से मिला हूँ, उन सब के साथ फोटो भी है, फोटो लिया था, पर उन सबको दिखाना मतलब वो नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो इसके लिए मैं सिर्फ जेठालाल का दिखा रहा हूँ। और मैं जब उनसे फोटो खींच रहा था तो उन्होंने एक लाइन बोला था, बोला रहे यार अब तो छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि वो साढ़े चार के बीच का वो फोटो है सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने बोला यार सर दे दो ना प्लीज़। Now we will move from small screen to big screen. बड़े सितारों की बात ही अलग होती है। जो चौथा फोटो आप देख रहे हैं एक्टर का, दुखियारा विवेक ओब्रॉय, सॉरी ये वर्ड यूज करने के लिए, बट आप सभी जानते हैं क्यों मैंने ये वर्ड यूज किया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उनकी एक्टिंग और उनके जो काम के मतलब बदौलत इन्होंने बहुत ज़्यादा सुपर हिट फिल्म दिया है, जैसे क्रेश हो गया, शूट आउट एट लोखंडवाला है, हमारे लिस्ट में सातिया है, बहुत सारी मूवी है जैसे इन्होंने किया है अपने करियर में। तो चलिए इनको ज़्यादा खींचते नहीं है। ये पिक है 2011 जनवरी की, जब ये लोहरी फेस्टिवल था हमारे पंजाबी भाइयों का, ये उसी दिन का है। स्क्रीन पर जो अगली पिक्चर आप देख रहे हैं मिस्टर रणवीर सिंह की है, जो मौजूदा टाइम के सबसे बड़े स्टार सुपरस्टार की है रणवीर सिंह। तो इनकी और भी फोटोज है जो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इन सब फोटोज का एक इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा फनी भी आप बोल सकते हो, तो वो बहुत ही हम्बल है रणवीर सिंह जो है, मतलब वो कभी किसी को मतलब नीचा नहीं गिराते, कोई भी वो फैन हो या कोई, उसे तीन बार मतलब मिला हुआ। इन फोटो का एक इंसिडेंट है मैं जो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, फनी है शायद रणवीर सिंह कुछ बोल रहे हैं एक फोटो में ऐसे करके। एक्चुअली क्या हो गया था, इनका पिक्चर है लेडीज वर्सेस रिकी बेल, उसका एक प्रमोशनल सॉन्ग था जो वो गोवा में दिखाता है ना, जो अनुष्का को जिसमें वो किस करते हैं लिप टू लिप, वो एक्चुअली हमारे यहाँ मुंबई में आक्सा में शूट किया गया है, उधर गोवा दिखा के। तो उसकी एक गाने की शूटिंग चल रही थी, तो उस गाने में इन्होंने वो वाइट टी शर्ट पहना था, वाइट पैंट भी पहना था नीचे। तो उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस था नहीं, तो पहले कैसा होता था पता है, हो गया वीडियो फोटो या कुछ भी मूवी बन रहा है तो उसका लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग उसने रणवीर सिंह ने टी शर्ट अपना उतार के वो फोटो क्लिक करवाया हमारे साथ। और जब फोटो क्लिक करवा रहा था तो उसने बोला यार सिर्फ चेस्ट तक का फोटो लेना, नीचे का नहीं लेना, मतलब स्टमक के साइड का। बोला क्यों, क्या हुआ, बोला यार तुम लोग की वजह से शूट कर करके पेट बाहर आ गया। ये रियली वेरी फनी, पर मतलब वो इतना बात कर लेते अपने फैन से कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। रियली फनी, इज रियली फनी।
वेरी सैडली जिनका फोटो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, लेट सुशांत सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. When I heard the news of his demise, I was really shocked because मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि मतलब ऐसा हो सकता है. ये पिक 2012 की है. हम लोखंडवाला गए थे, हम सब फ्रेंड्स जस्ट फॉर हैंगिंग आउट. तो वहाँ पर एक्चुअली मैं किसी भी स्टार्स को जिन्हें मैं टीवी में देखा हुआ होता हूँ तो मैं उनको अगर रस्ते में रोड में कहीं पे भी देख लेता हूँ अगर मैंने उनको देखा है टीवी पे. सो आई फॉलो कर रहा था, 5-7 मिनट हो गया मैं उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहा क्योंकि मैं उनका नाम नहीं जानता था उस वक्त, तो बुला भी नहीं पा रहा हूँ. और वो उस वक्त पिक्चर में आए नहीं थे. ये पिक्चर 2012 का, ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे. तो जैसे वो अपने बिल्डिंग में एंटर करने वाले थे मैंने उनके कंधे पे हाथ रख लिया. तो ही वॉज लाइक शॉक, बोले कौन है? तो फिर मैंने बोला ब्रो गिव वन पिक प्लीज. तो बिना कुछ बोले साइलेंटली ही वॉज जस्ट क्लिकिंग द फोटो एंड ही वेंट अगेन इन टू द बिल्डिंग. तो बस इतना ही इनके साथ इंसिडेंट था. पर जहाँ तक लगा कि ऐसा थोड़ा सा रूट लग रहा था मुझे उस वक्त, पर एज यू गाइस सीइंग हिम लाइक ही इज हैंगिंग अ गिटार, नॉट रॉन्ग, ही इज कमिंग फ्रॉम सम गिटार क्लास, दैट्स व्हाई ही वाज सो टायर्ड. सो एंड ही डिडंट से अ सिंगल वर्ड, ही जस्ट क्लिक द फोटो एंड वेंट इनटू हिज बिल्डिंग. दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही साथ इनको जस्टिस भी मिले. RIP SSR, ऑलवेज लव यू ब्रदर. अगर आपको ये वीडियो कोई भी रीजन से पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक बटन है वो भी आप दबा सकते हैं. उसके अलावा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलना. और इसी के अलावा अगर आप चाहें तो इसे और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं. और मुझे प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे या किस चीज़ में आप देखना चाहते हो. तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो पे अगर कोई चीज़ की कमी हुई होगी तो वो भी आप शेयर करिएगा तो मैं ताकि अगली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर पाऊँ. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे. Thank you.